तो फ्रेंड हम निकल चुके हैं एक छोटी सी राइड पे जो है घर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे। ये मेरी पहली राइड है। राइड क्या क्या है, ऐसी छोटी मोटी है। टेस्टिंग है हेलमेट की और कैमरे की। अगर क्वालिटी अच्छी लगे, वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, आप इंजॉय करिए, राइड का मज़ा लीजिए। छोटी सी राइड है और अभी सुबह का टाइम हो गया है 9:25। तो हमने कहा था कि रास्ते में चल के आपको बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो आखिर हम जा रहे हैं चंद्रिका देवी मंदिर, जो सीतापुर रोड से 10 किलोमीटर अंदर की तरफ है। वहाँ पे जा रहे हैं। सुबह का टाइम है, थोड़ा ट्रैफिक अभी कम है। अभी 10 बजे तक ट्रैफिक काफ़ी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सुबह जल्दी निकले हैं। जल्दी लेट हो गया उठने में, तो वो गए देर से सोए, वीडियो एडिट कर रहे थे तो उसमें लेट हो गया। और ये हम टेढ़ी पुलिया पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ओवरब्रिज का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग और शाम को काफ़ी ट्रैफिक लगता है। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे लोग यहाँ पे फंसे रहते हैं। ओवरब्रिज बन रहा है यहाँ पे, ये बन जाएगा तो जाम नहीं लगेगा इतना। और ये देखिए यहाँ पे कितना सारा जाम है। ये टेढ़ी पुलिया चौराहा है। यहाँ से मेरे राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो कुर्सी रोड है, और लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो इधर अलीगंज है। यहाँ से आप चारबाग भी जा सकते हैं। और ये मेरे सामने ऑडी ए। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. करते हैं। ये मड़ियाओं का ओवरब्रिज है, तो जैसे ही पार करेंगे आप सीतापुर हाईवे आ जाएगा। वहाँ से आप दिल्ली जा सकते हैं। कानपुर के लिए भी रास्ता है, हरदोई के लिए भी रास्ता है, सब है। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 और ये आ गया सीतापुर हाईवे। टैक्सी वाले सब उल्टे सीधा चलाते हैं, जहाँ मन करता है वहीं पे एकदम से रोक देते हैं, एकदम से इधर मोड़ दिया उधर मोड़ दिया। लोगों पे कुछ करना चाहिए, हम क्या करें, आपकी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। तो भाई साहब को देखो, ईयरफोन लगा हुआ है, ना हेलमेट है, ना कुछ, मस्ती में चले जा रहे हैं। और इन भाई साहब को देखिए, गाड़ी है, बाइक है, क्या बना रखे हैं। और जो चला रहा है उसने हेलमेट ही नहीं पहना है, और पीछे वाले ने हेलमेट पहना है। भाई साहब खतरों के खिलाड़ी।
मतलब कुछ कोई है ही नहीं, कोई रूल नियम कोई फॉलो ही नहीं करता है, जैसा मन करे वैसा ही। भाई साहब ने देखो कितना सारा सामान लाद रखा है, ठीक है हेलमेट भी लगाए हैं, पर इतना ओवरलोड नहीं करना चाहिए, बाय चांस कभी डिसबैलेंस हो गया तो। बीकेटी पहुंच चुके हैं, यानी कि बख्ती का तालाब, यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है और ये आप मेरे राइट हैंड पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाजार भी लगती है। इसमें होली का टाइम चल रहा है तो आप देखिए तो कितनी भीड़ है यहाँ पे, जब बाहर से इतना लग रहा है तो अंदर मार्केट में घुसेंगे तो और ज़्यादा भीड़ लगेगी। बस यहाँ से कुछ ही दूर बचा हुआ है, आधी रास्ता हम आ चुके हैं। आप मेरे सामने देखिए साइन बोर्ड में सीतापुर के लिए सीधे 71 किलोमीटर और एयरफोर्स स्टेशन के लिए मात्र 1.5 किलोमीटर है, आगे से लेफ्ट हैंड पर रास्ता है। हालांकि वहाँ गए तो कभी नहीं है, बस है फाइटर प्लेन ये सब वहाँ पे रहते हैं। बस चंद्रिका देवी मंदिर की मोड़ आने ही वाली है, आ ही गई ये मेरे लेफ्ट हैंड पे, बड़ा सा गेट बना हुआ है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पे है। बस यहाँ से सिंगल रोड है और 2-3 गांव भी बीच में पड़ते हैं। वीडियो एंजॉय करते रहिए, हम आपको सब दिखाएंगे।갑자기 내게 나타나죠 너. तो फ्रेंड हम मंदिर पे आ चुके हैं और हमने प्रसाद भी चढ़ा लिया है, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो अंदर नहीं ले जा पाए, तो बाहर से हम आपको मंदिर दिखाएंगे, तो देखिए फिर। ये है मंदिर का मेन गेट, यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी भीड़ होती, तो इसी जालियों के बीच में जिग जैग करके सब जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, आज नहीं अमावस्या के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और सामने मंदिर है, वो मंदिर की दुकानें हैं यहाँ पर, और मंदिर के अंदर चलते हैं अभी आगे से। ये सामने मंदिर है, आप देख सकते हैं भीड़ कम है क्योंकि अमावस्या नहीं, अमावस्या के दिन काफ़ी भीड़ होती है, मैंने पहले भी बताया आपसे, इसलिए भीड़ नहीं रही तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, कम की होता है। सामने माता जी का दरबार है, वहीं पे प्रसाद चढ़ता है, वहीं पे दर्शन होते हैं। अब हम चलते हैं बगल में, उसी मंदिर के बगल में गोमती नदी के बीच में शंकर जी की मूर्ति है, वहाँ पर चलते हैं फिर आपको और दिखाते हैं। वहाँ शंकर जी का जो प्रसाद चढ़ता है उसके ऊपर, वो भी प्रसाद भी है यहाँ पे, अभी आगे चल के और आपको दिखाएंगे। ये वही प्रसाद है जो शंकर जी के ऊपर चढ़ता है, यहाँ से प्रसाद लेते हैं फिर
आगे नीचे जाके आप मेरे लेफ्ट हैंड पर देख सकते हैं, वो शंकर जी की मूर्ति है, एकदम गोमती के बीच, गोमती नदी के बीचों बीच में है। आगे से भी कई तरह से रास्ता है, आप जिधर से जाना चाहते हो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और हम ये मंदिर की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम हरा हरा पानी है और सामने शंकर जी की मूर्ति है। ये बहुत कम ही हमको खुला मिलता है, इस बार पहली बार खुला मिला है, नहीं तो जितनी बार भी हम गए हमेशा यहाँ पे ताला ही लगा रहता है। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और चारों तरफ हरियाली हरियाली है, हरा हरा पानी है और धूप ज़्यादा तेज नहीं है। लोग आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं और एकदम गोमती के बीचों बीच में बना हुआ है ये शंकर जी की मूर्ति है। देखिए कितना दूर से नज़ारा आप देखें, कितना अच्छा आ रहा है, व्यू कितना प्यारा लग रहा है, पानी भी एकदम साफ सुथरा है। अब वापस चलते हैं, फिर और आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी प्रसाद की कई सारी ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये मंदिर से नीचे सीढ़ी से उतर के आना पड़ता है और इन्हीं सीढ़ी से ऊपर भी जाना पड़ता है। इस तरह की बहुत सारी सीढ़ियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, आप किधर से भी आ सकते हैं जा सकते हैं। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन ज़्यादा ही भीड़ होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर भी दुकानें लगी हुई हैं, खिलौनों की माले हैं, जो भी हर चीज़ मिलेगा यहाँ पर। आपसे बहुत बार बता चुका हूँ, यहाँ अमावस्या के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, कुछ कहने के नहीं। आज देखिए एकदम सन्नाटा हो रखा है। यहाँ पे लोहे का भी सामान है, हर सामान मिलेगा। प्रसाद प्रसाद प्रसाद, पेड़ा पेड़ा इधर से लीजिए। अच्छे तो फ्रेंड अब चलते हैं घर की ओर, जो सामान खरीदना था वो सामान भी खरीद लिया है, थोड़े मिठाई लिए हैं, पेड़े लिए हैं घर के लिए और भी कुछ थोड़ा बहुत सामान ले लिया है। अब तो कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तो मैंने दिखा ही दिया है आपको। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोपहर हो रही है, घर कितनी देर में पहुंचेंगे ये नहीं पता, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो ट्रैफिक भी लग सकता है, हाईवे ट्रक भी चलने लगे हैं, शायद जाम भी लग सकता है, तो आगे चलेंगे तब पता चलेगा। और टाइम हो रहा है इस समय 11:30 के, तो चलते हैं फिर आगे, कुछ मिलेगा अगर दिखाएं लायक तो हम ज़रूर दिखाएँगे आपको। पर पूरी वीडियो एंजॉय करिएगा एकदम आखिरी तक।갑자기 내게 나타나주너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 엿보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, जो आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगा क्योंकि ट्रैफिक थी और कई जगह जाम में भी फंस चुके थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो आधे घंटे में आ ही जाते। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कैमरे की क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी फ्रेश की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।